अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर और मैं हूँ आशिया खान। अभी मेरे पीछे जम्मू एंड कश्मीर यूथ ऑर्गेनाइजेशन की द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो अभी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि या तो 4G की जो पैक होते हैं उन्हीं की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करें, या अगर 4G के नाम पर हमसे 2G की सर्विस दी जा रही है तो उन्हीं का दाम बढ़ाया जाए। तो हम चलिए इन्हीं से बात करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम सन्नी कांचिप, मैं जम्मू एंड कश्मीर यूथ ऑर्गेनाइजेशन का प्रधान हूँ। आज हमने जो पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है, ये हमारे दो मुद्दे हैं यहाँ पे। पहला मुद्दा जो है हमारा 4G को लेके है, दूसरा मुद्दा हमारा जो 10,000 पोस्टें हमने जो गवर्नमेंट ने निकाली है उसको लेके है। पहले मैं बात करूँगा 4G को लेके। 4G जो पिछले 10 महीने या 1 साल में जो यहाँ पे इसका इशू बना हुआ है, काफ़ी बीच में जो 5-6 महीने अभी कोरोना वायरस के तहत जो काफ़ी दिक्कतें आई हैं लोगों में, जिनमें काफ़ी बिजनेस में अपना प्राइवेट जॉब्स में काफ़ी डाउनफॉल आया है, जिसके दौरान लोग अभी इतने मतलब कि परेशान है कि उनको आगे अर्निंग जो जिसको मनी जो पैसा कमाने का जो उनका जरिया है वो काफ़ी कम हो चुका है। उसके दौरान चलते हुए अपना एजुकेशन सेक्टर्स है, हमारा ऑनलाइन पढ़ाई है, प्राइवेट सेक्टर है जिसमें हम 2G 4G नेट को यूज़ करते हैं, अगर उन्होंने 4G नेट किसी ड्यू टू सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अगर बंद किया है तो चलो कोई हम उनका साथ देते हैं इस चीज़ में। बट जो रिचार्ज जो आप 4G का ले रहे हो और प्रोवाइड आप 2G कर रहे हो, उसका जो पैसा है वो आप पहली बात किस तरह से कहाँ पे ये रिसीव हो रहा है और क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि 2G का अगर आप नेट दे रहे हो 2G का ही आप रिचार्ज लें और 2G का ही आप जो भी सब्सक्राइबर को आप उनको वो ऐसी सुविधा दें। तो सर आपका दूसरा मुद्दा? दूसरा मुद्दा हमारा जो 10,000 पोस्टें 4th क्लास की निकाली है हमारी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, उसके लिए पहली बात तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और एडमिनिस्ट्रेटिव को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यूथ के लिए जो इन्होंने काफ़ी अच्छा वो एक सौगात इन्होंने लाई है अपनी वो करके। ग्रेजुएशन वालों के साथ तो इसमें भेदभाव, वही मैं इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एक इशू लेके आए हैं कि ग्रेजुएशन वालों को बोला गया कि हायर एजुकेशन वालों को ना कि यहाँ पे एलिजिबल किया जाएगा, अगर वो फॉर्म भरते भी हैं 12th बेस पे उनको इन फ्यूचर में उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मतलब कि मुद्दा है और साथ में एक बहुत बड़ा बेइंसाफी है यूथ के साथ। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है उसके लिए कोई इतना बड़ा उसने कोई पाप नहीं किया हुआ करके कि अगर ग्रेजुएशन वाला वहाँ पे ना करे। मैं मानता हूँ हायर एजुकेशन जो है वो 10th और 12th को डाउन करती है, इन फ्यूचर जब मेरिट लिस्ट निकाली जाती है तो ग्रेजुएशन वाले को ही पहले लिया जाता है हायर एजुकेशन वालों को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग 10th और 12th के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही आप लोग वहाँ सबमिट हो, जिससे इक्वल सबके फॉर्म सबमिट हो के आगे इन फ्यूचर इनका प्रोसेस अच्छा हो। देखो आज पिछले 6 साल से मैं देख रहा हूँ कई पोस्टें निकली हैं लेकिन उन पोस्टों को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं मिला। फ़ायदा क्या? इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, जिसमें मैं खुद आई विटनेस उनके निकालने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। मैं कहता हूँ उनका खुद आई विटनेस मैं खुद हूँ, जिसमें मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट में, हाई कोर्ट में, आपका एनिमल हस्बेंड्री में, आपका जेके बोस में, आपका जेके एसएसबी में, उसमें फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, वो इतनी फीस इतने पैसे वो कहाँ गए। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिखने को मिल रहा है कि अगर इन फ्यूचर इन्होंने ऐसा ये चेंज नहीं किया तो ये हाई कोर्ट में जाके रिट हो जाएगी। इसका मतलब लाखों लोग अपना फॉर्म भरते हैं, फीस जमा करते हैं, फीस जमा करने के बाद वही पैसा वहीं पर उनके पास स्टॉप रहता है और आगे फॉर्म ही नहीं फिलअप होते। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि आप लोग कुछ ऐसा प्रोसीजर निकालो जिससे इन फ्यूचर को लोगों को ना रोड पे आना पड़े ना उनको हाई कोर्ट जाना पड़े। सर ऐसा क्यों होता है कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद उस पर स्टे लग जाता है, उसकी कोई पूछताछ नहीं होती कि ये जॉब्स कहाँ गई? देखो स्टे तो उस दौरान लगता है कि अगर कुछ इसमें कुछ मिस मतलब कि जैसे आज आपने देख लिया, सपोज कर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल ली, एडवर्टाइजमेंट निकालने से ये पहले ही सारा क्राइटेरिया बनाया जाता है कि इसमें ऐसा ऐसा होगा, बट इन्होंने फॉर्म ओपन करने के बाद बोला कि ग्रेजुएशन लेवल वाले जो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों ने भी तैयारी की है, 12th वालों ने भी की है, अब वहाँ पे करने के बाद वो चाहते हैं कि हम भी फॉर्म फिलअप करें, अब जाके इन्होंने लास्ट मोड पे जाके इन्होंने ऐसा उनको झटका दिया है जिसकी वजह से वो दिक्कत में आ गए हैं और परेशानी हमें। मैं खुद ग्रेजुएशन हूँ, खुद ग्रेजुएट हूँ, काफ़ी लोग जो ग्रेजुएट हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो किस पोस्ट पे जाके बैठेंगे। आजकल की टाइम में जो ग्रेजुएशन वाले हैं लोअर पोस्ट अपर पोस्ट हर एक में एलिजिबल हैं, वो करना चाहते हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नमेंट है कुछ ऐसा ही कुछ निकाले जिस वजह से इन फ्यूचर हमें ना कोर्ट में जाना पड़े ना हमें प्रोटेस्ट करना। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट सन्नी कांचिप जी। तो जैसे कि बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि अगर ग्रेजुएशन की है तो कोई गुनाह नहीं किया है, ग्रेजुएशन वालों को भी सेम अधिकार मिलना चाहिए कि वो 10th और 12th के साथ अपना फॉर्म फिल कर सके। और इनका पहला मुद्दा ये था कि अगर हमसे 4G की पैसे लिए जाते हैं 4G सर्विस प्रोवाइड क्यों नहीं की जाती, तो ये कह रहे हैं सरकार से अगर 2G सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो पैसे भी 2G के ही लें। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।